करनाल नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर निगम कार्यालय में आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर वेतन न मिलने के रोष स्वरूप जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बच्चों के स्कूल की फीस भरनी पड़ती है और अन्य जरूरत के कार्य जो समय पर होने चाहिए वह नहीं हो पाते, जिससे कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो अधिकारी द्वारा उसकी गैर हाजिरी लगाई जाती है, परंतु वेतन समय पर ना आए तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने कहा अगर निगम प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों का यह प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसके लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। कर्मचारी नेताओं ने आगे बोलते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों को सफाई के औजार भी नहीं मुहैया करवाए जा रहे, जबकि यह औजार भी कर्मचारियों को अपने घर से ही लाकर सफाई के कार्य में लगना पड़ता है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से आह्वान किया कि कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर दी जाए ताकि समय पर कर्मचारी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये भी यहाँ नगर निगम प्रशासन ने तनख्वाह हमारी 25 तारीख को तनख्वाह डाली गई थी। बड़ी शर्म की बात है कि जब ये कर्मचारी अगर 10 मिनट भी अगर अपनी ड्यूटी से लेट हो जाए तो इनकी 10 मिनट को लेट अगर ये अपनी समस्या सुनाते भी उसके बावजूद भी अधिकारी जाके इनकी एब्सेंट लगा देता है। जब ये 10 मिनट में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते तो हम तनख्वाह के बारे में इनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। ये तनख्वाह कभी किसी बैंक में डाल देते हैं, कभी किसी बैंक में डाल देते हैं। आज हमारा कर्मचारी मारा मारा फिर रहा है, इतनी परेशानी हर एक की घर के हालात इतने नाजुक हैं कि इस तनख्वाह के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन इस प्रशासन के पास हमने कई बार रिमाइंडर भी दिया है, तनख्वाह के बारे में भी कहा है कि इन कर्मचारियों का वेतन 7 तारीख तक डल जाना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर साहब से जब मिलने के लिए जाते हैं हम तो कमिश्नर साहब सही मत्थे से बात नहीं करते। वो हमारे को कहते हैं भैया हमारा काम है, हम अपना आप कर देंगे, हमें पता है भी तनख्वाह देनी है इनको, लेकिन देनी कब है? अगर ये 10 मिनट भी अपनी ड्यूटी से अगर लेट हो जाते हैं तो इनका तो एब्सेंट या नोटिस इनके निकाल दिए जाते हैं। हम कई बार कमिश्नर महोदय को भी रिमाइंडर दे चुके हैं, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं, ईओ साहब से भी मिल चुके हैं, जितने भी अधिकारी हैं सबके नॉलेज में हमने तनख्वाह के बारे में ये सबको रिमाइंडर दिया है, लेकिन आज तक हमारी किसी भी समस्या पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं अगर सैलरी नहीं आई तो 500 रुपए एक्स्ट्रा। बिल्कुल कहा है मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, लेकिन आज तक अधिकारियों ने तो नहीं सुबह कोई अमल किया है। और दूसरा, हमने कई बार इनको कहा है कि हमारी जो समस्याएं हमारे कर्मचारियों की, एक बार महीने में दो बार हमारे साथ मीटिंग करें, हमारे जितने भी संघ के नेता हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करें, हमारी समस्याएं सुने। लेकिन आज तक भी इस कमिश्नर महोदय ने हमारे से आज तक भी कोई भी मीटिंग यूनियन के साथ नहीं की, ना ही आज तक हमारी कोई समस्याएं सुनी है। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मान रहे? बिल्कुल कोई नहीं मान रहे हैं मुख्यमंत्री की बात की भी, जो मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जो कहकर गए थे उनकी बात की भी पूरी धजिया उड़ाई जा रही है। प्रशासन पूरी नींद में सोया हुआ है और ना ही किसी कर्मचारी को, आज जो नाला गैंग भी बनाई गई है उनको कहते हैं अपने घर से कसी झाड़ू जो भी अपने लेके आओ, जबकि प्रशासन ने सारे औजार मुहैया करा देने चाहिए। आज इतना हालात बिगड़ चुके हैं कि वो कहते तो है अगर एक एमसी आ जाए उसके कहने पे, जैसे किसी भी कर्मचारी के साथ अगर कोई ऐसी बेइज्जती कर रहा है कोई भी अधिकारी या कोई भी दरोगा या कोई भी सुपरवाइजर, अगर उनकी बात भी हम रखते हैं अधिकारी के सामने तो सुपरवाइजर भी, अधिकारी क्या करते हैं एमसीओ के कहने में आके उनकी बात का समाधान नहीं करते, अधिकारी भी एमसीओ की पर दबाव में आकर सिर्फ उनकी सुनते हैं, इन गरीब कर्मचारियों की कोई नहीं सुनता, इनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि प्रशासन अपने रवैये को सुधारे और अब हमारी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा ये जो आज कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कल कोई एक आंदोलन का भी रूप धारण कर लेंगे। हम कहना चाहते हैं ये मार्च की तनख्वाह, हर महीने हमारी तनख्वाह लेट होती है, हर महीने हमें तनख्वाह 25 तारीख से पहले कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमें, तो हम कहना चाहते हैं कि तनख्वाह अपना प्रशासन अपना रवैया ठीक करे और हमारी तनख्वाह जो है 7 तारीख तक डाली जाए।
इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला करनाल सचिव। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।